परिंदों ने कहा, अपनी बाहें फैलाई हैं अभी, एक बार आसमान जरा नाप लेने तो दो। पंख फैला कर जब वो उड़ेंगे आसमान में, उन पंखों में आसमान समा लेने तो दो। सादर बनाओ, मैं नीरजा चौधरी। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम बिल्कुल सिर पर आ गए हैं। तो उन लोगों के लिए दो तीन बातें जो लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए एज अ टीचर, कुछ चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है, आजकल जो एक प्रेशर आपके दिमाग पर आ रहा होगा एग्जाम को लेकर, और स्पेशली क्या होता है, हम पीयर प्रेशर में होते हैं, तो आपको उस पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है पहली चीज, क्योंकि आप जो भी गेन करेंगे वो आपका अपना होगा, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं है। आपके जो मार्क्स आते हैं, आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं, आप जितने भी पॉइंट्स गेन करते हैं वो सब आपके अपने हैं, तो उसमें कोई शेयरिंग तो है नहीं। दूसरी चीज, आप बहुत सारी चीजें ऐसा देख रहे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आ सकता। तो एज अ टीचर, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा, देखिए, अगर आप केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आप केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देख रहे हैं और अपने आप को एक ऐसे टॉप पर देखना चाहते हैं जहां पर केवल जगह आपके ही लिए हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, इसमें से आ जाएगा, तो ऐसी किसी भी मैं तो कहूँगी ट्रैपिंग में मत आइएगा। और ये वाला वीडियो जो हम बना रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने पहले से वीडियोज यहाँ पर देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा मोटिव केवल ये है कि अगर 2 या 3 लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, व्यूज रही बढ़ाने हैं, बहुत सारे टैक्ट्स एंड ट्रिक्स आते हैं, उन ट्रिक्स को हम अप्लाई करें और इसमें करें, मतलब मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जिन लोग को अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम हमारे साथ कनेक्ट होंगे। अगली बात, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, और आजकल भी आप एक काम कर रहे होंगे, जब अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे तो आप उनसे पूछ रहे होंगे, अरे तूने कितनी तैयारी कर ली, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने तो ये पढ़ लिया, अच्छा तूने कौन से बुक से पढ़ा। तो देखिए, अब आप अपने फ्रेंड के साथ और स्पेशली एग्जाम हॉल के बाहर कोई डिस्कशन मत कीजिएगा एजुकेशन, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि देखिए आपका और आपके फ्रेंड का पढ़ने का तरीका अलग है, उसके नोट्स में भी अलग होंगे आपसे, उसको जो भी गाइड कर रहे होंगे वो अलग होंगे, तो आप उसकी बातें सुनकर, मतलब अपने फ्रेंड की बातें सुनकर अपनी स्टडीज को किसी भी तरीके से कम मत आंकिएगा, बस ऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। अगली बात यह है कि अभी आप क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे टच में पर्सनली हैं वो क्या करते हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और आप ये सोचिए कि आप जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर ना करे उस एग्जाम से पहले आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि आप एग्जाम ना दे पाए, तो ऐसा तो आपने अपने लिए कोई दिन सोचा नहीं होगा कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं और उस जब उसका फाइनल डे आए आप वहां पर अपीयर ना हो। तो देखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है, आप प्रॉपर नींद लीजिए, रिलैक्स रहिए, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी देर का मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो सेंट्रलाइज होगी, आपको ज्यादा पावर देगी। कुछ भी नहीं है तो कुछ आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जब आप सांस लेंगे तो वो जितनी ब्रीद अंदर जा रही है वो आपकी टोटल एनर्जी को सेंट्रलाइज करेगी। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, चाहे तो अपनी ब्रीदिंग पर, चाहे अपनी किसी एक्टिविटी पर या किसी पॉइंट पर, आप अपने आप को सेंट्रलाइज करके ये 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज करिए, ये आपके 24 घंटे के लिए बहुत एनर्जी देने वाला है। राइटिंग का एक्सरसाइज करिए, मतलब राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कहेंगे राइटिंग एक्सरसाइज कैसी होती है, तो राइटिंग एक्सरसाइज यही है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करिए।
हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स मत लिखिएगा। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतने ही आप उसमें आंसर करिएगा। एग्जाम बिल्कुल सर पर है, प्रैक्टिकल डेट्स आपकी आ गए होंगे, आप प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप प्रैक्टिकल में और अपने बोर्ड एग्जाम में दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। और एग्जाम से पहले एक दो बार और हम आपसे बात करेंगे, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी हमें कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत आपको लगती है स्टडी रिलेटेड, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने आज ही पर्सनली बात की, तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं कुछ पढ़ता हूँ तो उसके बाद मुझे रिकॉल नहीं होता या मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे याद है। तो देखिए ये तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉन्फिडेंस ही दिलाएगी, है ना। मैंने क्या पढ़ा है, मैं उसे रेंडम देखूं लिखकर, क्या मुझे वो टॉपिक के बारे में जानकारी है। तो आप इस तरीके से सेल्फ एसेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं। माना सपोज आप शाम को थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए बाहर जाते होंगे, तो कोई टॉपिक अपने दिमाग में लाइए और उसको एक बार रिकॉल करके देखिए क्या मुझे याद है, और डेफिनेटली आपको याद होगा। क्लियर हो गया? तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ऑल द बेस्ट हमारे लिए, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आप बेहतर अचीवमेंट करें, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको उचित लगता है, सही लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो अगले सेशन में एक बार फिर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस बार लाइव कन्वर्सेशन, तो पहले नोटिफाई करा देंगे और लाइव कन्वर्सेशन करेंगे। और आपके साथ आपके बेस्ट विशेस हम हमेशा रखेंगे, आप बेस्ट अचीव करें। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।